बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई नवीद। आज जो शरबत आपके लिए एक लेके आया हूँ, रमज़ान का महीना आ गया है तो उसके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त ये शरबत बनेगा। दो चीज़ें आपके सामने हैं, इसमें है इमली 1 किलो और आपने ये आलू बुखारा खुश्क ले लेना है, इसको आधा किलो आप ले लें। दो चीज़ें ये लेनी है और एक टाटरी इसमें डलेगी, वो एंड पे डाल देंगे। तो इसको सबसे पहले बनाने का तरीका ये है कि आपने इसको पहले 8 घंटे तकरीबन इसको पानी में भिगो के रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको हम 8 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह ताला इसका जो होगा प्रोसीजर वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शरबत जो है रमज़ान के महीने में बड़ा ही ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होगा। जिन लोगों को मसाने की गर्मी रहती है, जिगर की गर्मी रहती है, मैदे में तेजाबियत वगैरह रहती है, उसके लिए बड़ा अच्छा काम करता है। ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त ये शरबत काम करेगा। और रमज़ान के महीने में जो पानी की कमी रहती है उसमें भी बड़ा ही अच्छा ये काम करेगा, खुश्की को भी ख़त्म करेगा। तो बनाने का तरीका इसका देखते हैं अभी आगे, तो आप देखिए ये इस तरीके से इसको आप जो है खुला खुला जो बर्तन लेके उसमें ये डाल दें इस तरीके से। तो इसको तोड़ दें इमली को अच्छे तरीके से। तो अब इसमें पानी डाल देते हैं। ये इसमें पानी डाल दिया है इस तरीके से, ये भी आप देख लें काफ़ी पानी हो गया है। 5-6 गिलास आप इसमें डाल दें तो ये तकरीबन आपका जो है 2 से 2.5 लीटर ये बन जाएगा आपका शरबत। तो इसमें इसको ख़राब होने से बचाने के लिए भी एक चीज़ है, वो भी इसमें डालेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे जब मैं वो डालूँगा, वो भी आपको दिखा दूँगा क्या चीज़ है। तो वो आप इसमें डाल दीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ये शरबत बन जाएगा। ये मैंने डाल दिया। अब इसमें पानी, 1 किलो इमली और आधा किलो आलू बुखारा। तो इसको तकरीबन जो है हल्की आग पे, मीडियम आग पे पकाएंगे। हल्की आग पे इसको पकाते रहेंगे। पानी तकरीबन इसमें मैंने 5 से 6 लीटर डाला है तो वो पकेगा। पकने के बाद 3 से 4 लीटर जब रह जाए पानी और अच्छे तरीके से ये पक जाए तो इसको जो है ना फिर आगे इसमें एक और चीज़ डालेंगे जिससे ये ख़राब नहीं होगा और बोतलों में महफूज हो सकेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे इसका अगला प्रोसेस क्या होगा। ये देखें जी, उबाल लिया हमने इसको काफ़ी देर। तो अभी इसकी हालत जो इस तरीके से हो गई है, देखें सारा गल गया अच्छे तरीके से, पानी निकल रहा है इसका, ये देखें। तो अभी इसको जो है ना हम मल लेंगे अच्छे तरीके से हाथ से, अच्छे तरीके से इसकी पलप निकाल लेंगे, इसकी गुटियाँ जितनी भी हैं ये इसके अंदर जो गुटियाँ वो अलहदा कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो है वो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, हम तो कर रहे हैं। आप चीनी ऐड कर लें, इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि ये शरबत बन जाए, फिर बाद में जो है आप चीनी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चीनी और नमक इसमें ऐड करेंगे, काला नमक आप हसबे ज़रूरत इसमें ऐड कर लें, दूसरा करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी पहले हम निकालेंगे गुटलियाँ, गुटलियाँ निकालने के बाद इसको दोबारा आग पे रखते हैं, फिर मैं आगे दिखाता हूँ इसको कि क्या करना है। अच्छा जी, ये हमने अभी गुटलियाँ निकाल ली इसकी, इसमें हमने डाल दी है चीनी। चीनी इसमें तकरीबन जितना पानी होगा उससे डबल चीनी डलती है, तो आप अपने हिसाब से डाल लें जितनी आपने डालनी हो। और काला नमक इसमें ऐड कर दिया है, और काला नमक नहीं है तो आप वाइट नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काला नमक का जायका ज़रा अच्छा आता है इसलिए। तो इसको आप आग पे रख दिया है, अभी इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। पकाने के बाद इसको जब बोतलों में भरेंगे, जब ये शीरा टाइप बन जाएगा, जब इसको बोतलों में भरेंगे तो इसमें हर बोतल में 1 लीटर जो बोतल होगी उसमें तकरीबन 2 ग्राम से 3 ग्राम जो टाटरी आपने डाल देनी है ताकि ये पानी ख़राब ना हो। टाटरी इसमें आप ऐड कर देंगे 2 से 3 ग्राम, वो भी मैं आपको जब बोतलें भरूंगा तो मैं दिखा दूंगा कौन सी है। तो वो ऐड करना लाजमी है ताकि ये लंबे अरसे तक चल सके, तकरीबन 15 से 20 दिन या 1 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ईज़ीली। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ फिर आगे जैसे ही मैं बोतलों में इसको भरता हूँ। जी ये देखें, ये कंप्लीट हो गया। हमने इसमें चीनी डाल ली थी, चीनी को अच्छी तरीके से पका लिया तो इस तरीके से ये बन जाएगा शरबत। तो अभी इसको जब बोतलों में भरेंगे तो इसमें डालेंगे टाटरी। ये देखें, ये टाटरी है, ये आपने 2 ग्राम जो है एक बोतल में आपने डाल लेनी है, 2 से 3 ग्राम बोतल में डाल के इसमें 2 से 3 ग्राम ये टाटरी आपने उसमें डाल देनी है।
तो इससे ये है कि ये ख़राब नहीं होगा और लंबे अरसे तक चल जाएगा। तो इसको इस्तेमाल कीजिए, बनाइए, पिए, इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।